हेलो दोस्तों, आज मैं हूँ टीवीएस मल्होत्रा ऑटो सेल्स समद रोड अलीगढ़ में। दोस्तों मेरे सामने खड़े हुए जुपिटर 125 जो टीवीएस वालों की है दोस्तों, आज इसका हम पूरा रिव्यू करेंगे। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं कपिल भैया। कपिल भैया इसके बारे में पूरी डिटेल रिव्यू बताएंगे। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को यार अभी से लाइक करके बैठो, और चोर लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कपिल भैया, सबसे पहले मैं बात जानना चाहूँगा, इस जो आपके सामने ये टीवीएस की जुपिटर खड़ी है 125 सीसी में, इसमें कितने प्रकार के कलर आते हैं? सर इसमें चार प्रकार के कलर आते हैं अपने। अच्छा अच्छा इसमें आपका वाइट कलर होगा, मैट ग्रे होगा, आपका इंडी ब्लू कलर होगा, प्लस इसमें आपको टॉप मॉडल में आपको ऑरेंज कलर मिलता है आपको। सबसे पहले जब कोई कस्टमर यहाँ पर शोरूम पर आता है तो उसके मन में सवाल ये होता है कि कितने की होगी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो कपिल भाई कितनी प्राइसिंग होगी? सर जो इसकी स्टार्टिंग प्राइस है आपका, स्टार्टिंग मॉडल का 79,000 रुपये होता है। 79,000 है एक्स शोरूम प्राइस? जी सर, जी सर। ओके सर, तो ये कितनी इसकी पावर कितनी है 125 सीसी में? पावर कितनी है 125 सीसी में? इसकी पावर जो है 10.5 NM टॉर्क होता है सर। अच्छा, जो पिकअप होगा। अच्छा अच्छा इसका, और इसका एवरेज कितना देने वाली है? जो कंपनी क्लेम करती है ऑन पेपर 62 क्लेम करती है। 62 62। अच्छा अच्छा जी सर। लेकिन अभी कस्टमर का रिव्यू मिला है आपको? कितना मिला है? कितना तक निकल गया सर? 45 से 50 का आसानी से एवरेज देता है सर ये। अच्छा, सिटी में जो कि 125 जो सीसी जो गाड़ियाँ हैं वो इतना एवरेज नहीं देती, आपकी गाड़ी दे रही है 45 से 50 एवरेज देती है। अच्छा अच्छा। तो सर कपिल जी, इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं, क्या क्या कंपनी ने न्यू फीचर लॉन्च किए हैं इस गाड़ी में? सर मैं बताऊं सर, आइए हम फ्रंट से बात करें। ठीक है सर, फ्रंट प्रोफाइल बात करते हैं। एलॉय व्हील दिया है। ठीक है सर, एलॉय व्हील विद डायमंड कट्स दिया है। हाँ दोस्तों, आपको दिख पा रहा होगा डायमंड कट्स के साथ इसमें एलॉय व्हील दिया हुआ है, दिख पा रहा है आपको? डायमंड कट के साथ आपको डिस्क ब्रेक भी मिलेगा सर। डिस्क ब्रेक भी है। आप कहेंगे डायमंड कट से बेनिफिट क्या है सर? हाँ क्या बेनिफिट है सर बताएं? सर आप गाड़ी लॉन्ग ड्राइव यूज करते हैं तो डिस्क जो है हॉट पड़ जाते हैं अदर स्कूटर में। अच्छा। पर क्या ये कूलिंग बनाते रहता है? अच्छा। तो ये डिस्क हॉट नहीं पड़ती, इसे आप लॉन्ग ड्राइव गाड़ी यूज कर सकते हैं विदाउट स्टॉप। अच्छा, टायर इसमें ट्यूबलेस है? ट्यूबलेस टायर है आपके। कितना इंची टायर है इसमें? सर 12 इंची का टायर है, 1275 mm का होता है इसमें टायर। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें जो DRL होती है उसमें किस जगह दी है इस स्कूटर में DRL? DRL जो यूज हुआ है आपका इंडिकेटर में यूज हुआ है फ्रंट पे आपका। ये जो दिया रखा है DRL में, सर आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ओके ओके। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कितना प्यारी कटिंग से यहाँ पर नीचे की तरफ इंडिकेटर में DRL। अच्छा, जो इसमें जो इंडिकेटर में बल्ब यूज हुआ है वो कौन सा, हैलोजन है? सर हैलोजन बल्ब होता है अपना। अच्छा हैलोजन बल्ब, मैं एक बार इंडिकेटर जला कर दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों इस तरह से जल रहा है इंडिकेटर, ये देखिए। अच्छा, इसकी हेडलैम्प की बात करी, कौन सा किस प्रकार का बल्ब इसमें? इसमें हेडलैम्प जो है LED हेडलैम्प है। ओके जी सर, तो एक मिनट जला के दिखा देंगे सर, बिल्कुल। दोस्तों मैं जलवा के दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से जलती है ये। इन्होंने ये देखिए, काफ़ी अच्छा इसका थ्रो है, इसका लाइट का काफ़ी अच्छा थ्रो है। गुड गुड, वेरी गुड सर। और हम बात करते हैं इसमें जो फ्रंट सॉकर यूज हुआ है, टेलीस्कोपिक सॉकर यूज हुआ है, जो बेटर सस्पेंस देता है अपने आप में सर। अच्छा अच्छा जी सर। अच्छा, इसमें रिफ्लेक्टर भी यूज हुए हैं, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर नाइट के लिए। अच्छा, और बताइए क्या क्या खासियत है, मैं आपकी क्या जुबानी जानना चाहूंगा इस गाड़ी की खासियत। इसमें सर आगे पीछे का व्हील जो यूज हुआ है सेम हुआ है, 12 इंची का। 12 इंची का टायर है इसमें। अच्छा, इससे क्या है बॉडी बैलेंसिंग सबसे बेस्ट रहती है। ओके, प्लस एवरेज बेटर रहता है, क्योंकि जो चक्कर बनते हैं बैक व्हील से कनेक्टिविटी होती है, इंजन कनेक्टिविटी, जो चक्कर कम बनेंगे अदर स्कूटर के कंपेरिजन में, तो इसमें एवरेज एक्स्ट्रा निकलेगा इससे। अच्छा, इसका मतलब यानी कि 12 इंची का बराबर का टायर है तो एवरेज भी अच्छा निकलेगा, कंपैरिजन में 20% माइलेज प्लस ही देगा सर ये। ओके, जो मार्केट में इसमें अवेलेबल है उससे 20% आपको एक्स्ट्रा ही माइलेज मिलेगा। अच्छा अच्छा, और बताइए मीटर कंसोल के तरफ बात कर लेते हैं। इसमें दोनों में टू टाइप के मीटर यूज हुआ है, डिजिटल है प्लस एनालॉग है। ठीक है सर। सर एनालॉग में आपकी रेसिंग दिखाएगा, आप जैसे गाड़ी यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग, प्लस डिजिटल में अपना ओके टाइमिंग है, किलोमीटर है, फ्यूल टैंक है, हेलमेट रिमाइंडर है, सर्विस रिमाइंडर है, प्लस आपका एवरेज स्पीड दिखाएगा, रियल टाइम एवरेज माइलेज दिखाएगा आपका। अच्छा अच्छा जी सर, प्लस। और ये स्विच किस सर है? अभी हम मीटर कंसोल में चलते हैं, इसमें अपना इको पावर सिस्टम भी दे रखा है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, हम गाड़ी ड्राइविंग करते हैं एक्सीटर हम आसानी से देते हैं आराम से, तो इसमें क्या है ग्रीन लाइट यूज हो रहा है तो बैटर एवरेज निकल रहा है। इको पे लग रखा है जी सर, जैसी हाई करेंगे तो, जैसे कि हम एक साथ एक्सीटर देते हैं ओवरटेक करते हैं तो पावर हो जाएगी, जिसमें कि आपको देखने को मिला येलो लाइट जली पावर मोड। अच्छा। जिससे कि हम गाड़ी अच्छी यूज नहीं कर रहे, ये अदर किसी कंपनी में नहीं होगा, सिर्फ TVS में ही आता है, TVS का पेटेंट होता है। प्लस हम बात करते हैं रिजर्व कैपेसिटी, इसमें 1.5 लीटर रिजर्व होता है, 1.5 लीटर पर रिजर्व लगता है, रिजर्व लग जाएगा। ये टोटल कितना टैंक में मतलब कैपेसिटी है इसका? टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं हम लोग, 5 लीटर 100 ग्राम की कैपेसिटी होती है इसकी टैंक की, लेकिन 1.5 लीटर पेट्रोल रिजर्व में रहता है। ये रिजर्व का इम्पोर्टेंट फीचर इसलिए है सर, आज की डेट में 6G जितने भी गाड़ी हैं वो सब फ्यूल इंजेक्टर में आती हैं, FI टेक्नोलॉजी से बोलते हैं, जिसमें क्या 1.25 लीटर पेट्रोल स्कूटर में किसी भी कंपनी का हो, मैं TVS का ही नहीं कहूँगा, अदर किसी भी कंपनी का,
सवा लीटर पेट्रोल मेंटेन करके चलना पड़ता है। अगर आप उससे कम में यूज करेंगे गाड़ी के पेट्रोल को तो फ्यूल इंजेक्टर ले जाता है जिससे 8 से 10 हज़ार रुपये का चेंज कराना पड़ता है। अच्छा, ये किसी कंपनी में फ्रीजर का सिस्टम नहीं आता। इसमें कोई इंडिकेटर है अगर आपका रिजर्व लग जाता है तो? ये 1.5 लीटर पेट्रोल रहेगा तुरंत रिजर्व लग जाएगा, ये इंडिकेट करता है आप 10 से 15 किलोमीटर में गाड़ी में आप पेट्रोल डलवा लो चलाने का। अच्छा, इंडिकेट करता है ये। अच्छा अच्छा, जैसे कि आपने अभी देखा मैंने गाड़ी स्टार्ट की थी 7 सेकंड में गाड़ी ऑटोमेटिक ऑफ हो गई लेकिन अब सेकंड टाइम हम स्टार्ट करेंगे तो हमें ब्रेक दबा के रेस दे देनी है गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए कौन सा फंक्शन है, ये इसे बोलते हैं ISS सिस्टम सर। अच्छा अच्छा, जिससे क्या है हमारा बैटर एवरेज निकलता है प्लस बैटरी की लाइफ भी बढ़ती है। हाँ, मतलब आपको सेल्फ मारने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला स्विच होता है इसका ऑन कर देंगे तो ये हम जैसे 7 सेकंड के अंदर हम ISS सिस्टम वर्क करना चाहते हैं तो इस समय स्विच को ऑन कर देंगे, अगर हम नहीं करना चाहते तो हम ऑफ कर देंगे स्विच को तो गाड़ी ऑफ ही नहीं होगी अपनी। तो यानी कि ट्रैफिक लाइट पे तो ये सिस्टम ये जो फंक्शन है काफ़ी कारगर है। ओके, ट्रैफिक लाइट में कारगर है प्लस आपका ट्रैफिक में भी सबसे ज़्यादा कारगर रहेगा। ये दो बटन मैं अभी छू कर देख पा रहा हूँ, सॉफ्ट टाइमिंग के और ये सेटिंग करने के लिए होते हैं, टाइमिंग की सेट करने के लिए टाइमिंग है, सेटिंग है, एवरेज स्पीड चेक कर सकते हैं, सब कुछ इसमें होता है ऑटोमेटिक बटन से। अच्छा, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। ये अमेरिकन बेजल क्रोम बोलते हैं इसको। अच्छा, जो ये मोस्टली अमेरिकन कंपनी बनाती है। अच्छा, ये अदर किसी कंपनी में नहीं आएगा आपको। अच्छा लुक लग रहा है इसके, इसमें तो ये टॉप वेरिएंट है, इसमें सारे जगह बेजल क्रोम लग रहा है, काफ़ी जगह मैं दिखाता हूँ। ये फ्रंट पे है, ये इंडिकेटर के ऊपर दे रखा है, इंडिकेटर के साइड में दे रखा है सर, प्लस बैक साइड भी दे रखा है आपका। काफ़ी अच्छा क्रोम का ट्रीटमेंट है पूरी गाड़ी पे, बहुत बढ़िया है। अच्छा, इसका फ्यूल कहाँ से भरा जाता है मैं ये जानना चाहता हूँ। हम लोग बात करते हैं किसी भी गाड़ी में आप फ्यूल भराएंगे तो पीछे उतरना पड़ेगा आपको, लेकिन इसमें नहीं उतरना पड़ेगा सर। अंदर भरा जाता है या पीछे मोस्टली स्कूटी में भरा जाता है? हम लोग, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे भरा जाता है, प्लीज मुझे दिखाइए। जैसे हम लोग गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें अदर स्कूटर में क्या है, पहले की घुमाएंगे उसके बाद बटन दबाएंगे उसका बकेट खोलेगा अदर स्कूटर का, फिर उसके बाद उतर के ढक्कन खोलना पड़ेगा। ये भी नहीं पता चल रहा, पता चलेगा कैसे पड़ रहा है, पीछे आपको उतरना पड़ेगा, डेफिनेटली उतरना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, हम लोग अंदर चाबी पुश करेंगे और राइट हैंड चाबी घुमा देंगे तो पेट्रोल टैंक अपना ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बहुत जबरदस्त फीचर टीवीएस वालों ने लॉन्च किया, आप दिखाइए पास में ले जाके कैमरा, आपका यहाँ से पेट्रोल आप यहाँ से भरवा सकते हैं सामने के, अभी तक की किसी भी स्कूटी में ये फंक्शन नहीं आया दोस्तों। अच्छा, इसके स्विचेस के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी सर, ये आपने ओवरटेक करने के लिए हाइट डिपर के लिए होता है। अच्छा, गाड़ी ओवरटेक करते हैं, प्लस सर इसमें प्लस पॉइंट और दिया है पार्किंग ब्रेक जो फोर व्हीलर में आता है। अच्छा अच्छा, इस तरीके से अगर हम कहीं गाड़ी ढलान पर पार्क करते हैं तो इसमें क्या हमारे ये पार्किंग ब्रेक दिया होता है। अच्छा अच्छा, लेफ्ट हैंड ब्रेक, जी फोर व्हीलर में हैंड ब्रेक, इसमें भी हैंड ब्रेक का सिस्टम है दोस्तों। तो यानी कि गाड़ी अगर अगर ढलान पर है तो आगे आगे नहीं बढ़ रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, लॉक हो गया ब्रेक। अगर इसे निकालेंगे तो हम ब्रेक दबा देंगे ऑटोमेटिक गाड़ी का ब्रेक निकल जाएगा, हैंड ब्रेक। अच्छा, ये इंडिकेटर का स्विच है, हॉर्न है, हॉर्न बजा के दिखाइए कैसा। ये सर हॉर्न बजा के, हॉर्न की क्वालिटी भी काफी मतलब दिल को मतलब दिमाग को चुभने वाली है और एकदम जो भी होगा सामने आपका वो एकदम से हट जाएगा। जी सर, इसमें आपका डैशबोर्ड बॉडी जो है गाड़ी के कलर शेड में आपका मैचिंग किया है। अच्छा जी सर, आप देख सकते हैं फुल्ली। हाँ, ये वाला कलर भी अंदर का ट्रीटमेंट दिया है दोस्तों, ज़्यादातर आपने स्कूटीज़ में देखा होगा तो क्या होता है अंदर का जो कलर होता है वो सेम कलर का होता है, जैसे ब्लैक का है या ब्राउन का है, लेकिन इसमें जो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है वो इसी जैसे ऑरेंज कलर है, तो ये भी ऑरेंज ही कलर है अंदर, बहुत शानदार और फिनिशिंग कलर दिया है। और दोस्तों मैं ये आपको दिखा दूँ, यहाँ पर लिखा है जुपिटर 125, ये देखिए है ना, ये क्रोम का ट्रीटमेंट है और ये भी बहुत प्यारा क्रोम का ट्रीटमेंट है, ये 3D लुक में इन्होंने उसका उभार दिया है। कपिल जी, मुझे इसकी जरा की निकाल के दिखाइए, की कैसी है, की यूज हुई है, फुल्ली स्पोर्टी की यूज हुई है, जैसे सच में गाइस बहुत शानदार की यूज हुई है इसमें, मैं लगाकर देखूं, बिल्कुल सही लगा के देखिए, बहुत इजीली इंसर्ट हो गई है। और कपिल जी ये क्या फंक्शन है इसमें, ये दिखाइए, इसमें आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं सर, मोबाइल चार्जिंग बकेट होती है, यानी कि मोबाइल इसके अंदर रख भी सकते हैं, कितना प्यारा स्टोरेज दे रखा है दोस्तों, आपका आराम आसानी से मोबाइल रख जाएगा और डाटा केबल कनेक्ट करके आपका चार्ज हो जाएगा, जिससे ये इसकी जो कैपेसिटी होती है 2 लीटर की कैपेसिटी होती है, इसमें आसानी से मोबाइल रख सकते हैं, वॉलेट रख सकते हैं। अच्छा, ये गाड़ी मतलब आम आदमी के लिए, मतलब अगर किसी का गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है तो रख सकता है, इतना स्पेस है, आसानी से रख सकता है। इसका जो स्पेस होता है फ्रंट स्पेस 380 mm होता है, 380 mm। अच्छा अच्छा, आराम से आ जाएगा। जी सर, लेट के या खड़ा करके? सर आपकी चॉइस है, जैसे आप चाहें। अच्छा, लेट के भी आ जाएगा और खड़ा करके भी आ जाएगा। अच्छा, इसमें स्पेस सबसे ज़्यादा होता है इसका। आप बूट स्पेस के बारे में बात करते हैं, मुझे इसका बूट स्पेस दिखाइए। जैसे कि किसी गाड़ी के सीट खोलने के लिए साइड से की लगानी पड़ती है, इसमें साइड से की लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं बटन दबाने की जरूरत है। इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड
चाबी घुमा देंगे ऑटोमेटिक सीट ओपन हो जाएगी। देखिए सर ओपन हो गई जी सर, ये देखिए इसका स्टोरेज। बाप रे, स्टोरेज का बाप, स्टोरेज का बाप, सच में यार कितना बड़ा स्टोर। ज़्यादा स्कूटीज़ में ये वाला पोर्शन जो होता है वो पूरा कवर्ड होता है और यहीं पर ही आप सामान रख सकते हैं, लेकिन इसमें तो मतलब आप आराम से लेट भी सकते हैं ये कह सकते हैं, इजीली लेट सकते हैं। इसमें हम लोग चाहे हो तो आप 2 करोड़ रुपए भी ले जा सकते हो, 2 करोड़ रुपए भी लेके जा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसकी जो कैपेसिटी होती है 33 लीटर की कैपेसिटी होती है स्टोरेज, 33 लीटर। और गाड़ियों में कितने लीटर की आती है? 17 लीटर, 18 लीटर, 22 लीटर, इससे ज़्यादा किसी में नहीं आती। इसमें डबल हेलमेट की कैपेसिटी है 33 लीटर, 2 हेलमेट रख सकते हैं इसका कहने का मतलब, क्योंकि मैंने देखा है मेट्रो सिटीज़ में आज अब जो नियम हो गया है तो 2 हेलमेट लगाने का हो गया है, तो उसी वजह से शायद कंपनी ने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये फंक्शन लॉन्च किया है। चलिए ठीक है, और बताइए फंक्शन सर। इसकी जो सीट की लेंथ हाइट होती है ये 790 mm की होती है। अच्छा। इसमें गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो हम 3 लोग नहीं बैठ सकते, कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है तो इसमें आप 3 लोग भी आसानी से बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, क्योंकि जो इसकी सीट लेंथ होती है 790 mm होती है। कपिल जी एक चीज़ और देख पा रहा हूँ, ये जो इन लोगों ने पीछे का ये जो हैंडल बार दिया है ये बहुत शानदार लग रहा है, शानदार है, स्पोर्टी लुक है। इसको बैक सपोर्ट बोलते हैं, बैक सपोर्ट, जैसे कोई लेडी बैठती हैं तो इसे पकड़ के बैठ सकती हैं, कोई भी सामान लेके जाना है तो इसे बांध सकते हैं सर अपना। अच्छा। प्लस इसमें सर जो मेन स्टैंड यूज हुआ है यूजर पैटर्न स्टैंड बोलते हैं इसको, जो कि सर 8 से 10 साल का बच्चा मेन स्टैंड पर गाड़ी यूज कर लेगा। कैसे? जैसे अदर गाड़ी को आप यूज करेंगे तो क्या है उसमें पूरा प्रेशर लगाना पड़ेगा। इसमें क्या है जैसे हम लोग मेन स्टैंड कराए और पुश किया ऑटोमेटिक गाड़ी खड़ी हो गई, मतलब ज़्यादा आपको फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपको ये गाड़ी मेन स्टैंड पे खड़ी करनी है तो नॉर्मली आप हल्का सा पुश करके गाड़ी मेन स्टैंड पे खड़ी कर सकते हो। और ये जो है ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव सा दिया है पैर रखने का, फुटरेस्ट को बाहर निकाल सकते हैं और गाड़ियों में नहीं है, और गाड़ियों में आपको हाथ से निकालना पड़ता है। अच्छा, अंदर लग जाए तो इसमें आप पैर से निकाल सकते हैं। प्लस इसमें आपको डबल सिस्टम मिलता है स्टार्टिंग का सर। कैसे? जैसे कि इसको आप सेल्फ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, प्लस किक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, किकिंग का ऑप्शन भी है आपको। ओके ओके, तो किकिंग किक को आप मेन स्टैंड पे लेके ही स्टार्ट करेंगे इस गाड़ी को, क्योंकि पहले क्या है साइड स्टैंड पे स्टार्ट हो जाती, आई डेट में क्या है TVS ने अपग्रेड किया है, सेंसर लग गया आपका साइड स्टैंड पे। अगर हम दिखाते हैं आपको, जैसे हमारी गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है, तो जैसे हम साइड स्टैंड लगा देते हैं, साइड स्टैंड लगा देते तो गाड़ी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है दोस्तों, ये सच में बहुत बहुत ज़बरदस्त, पता नहीं हमारे हमारे देश में इस साइड स्टैंड की वजह से कितने न जाने कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, तो कंपनी ने बहुत अच्छा फीचर लॉन्च किया है कि आप अगर स्टैंड लगा होगा तो आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी नहीं और आप एक्सीडेंट्स के खतरों से बच सकते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स इस गाड़ी की बैक प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर TVS वालों ने 3D बैजिंग दी है, और बताइए कपिल जी से पूछते हैं और क्या खासियत सर। इसमें जो बैक लाइट दे रखी है आपकी, फुल्ली स्पोर्टी हेडलैम्प दे रखी है। अच्छा जी सर, हेलोजन में दे रखी है या सर? ये हेलोजन में अपनी। अच्छा अच्छा, है और ये बैक लाइट है सर, ये फाइबर है, ये सर फ्लेक्सिबल होता है अपना। अच्छा अच्छा, देख सकते हैं फ्लेक्सिबल है जी सर, मड गार्ड जिसे बोलते हैं। इसमें सर डिजाइनिंग के लिए ये स्टील प्लेट दे रखी है जिसमें CVTi लिखा हुआ है, जो साइलेंसर कवर्ड रहती है सर ये अपनी। अच्छा अच्छा जी सर, ये भी काफ़ी सुंदर फीचर लग रहा है इसका। और प्लस पॉइंट इसमें जो मेटल और फाइबर की बात करते हैं हम, सबसे ज्यादा मेटल यूज होता है आपका TVS जुपिटर 125cc में सर। अच्छा, इसमें मेटल यूज हुआ है सर, कितना परसेंट? सर इसमें 90% मेटल यूज हुआ है, 90%। अच्छा, फाइबर 10% 90% बोलते हैं हम लोग, यानी कि मजबूती में भी बेतोड़ रही है गाड़ी, बेतोड़ है सर। सर और इसकी जो मेंटेनेंस है 0 मेंटेनेंस है। अच्छा, सर्विस जो ड्यूरेशन टाइम होता है पीरियड होता है 5 से 6 हज़ार किलोमीटर के डिस्टेंस पर सर्विस होती है, अदर स्कूटर की बात करें तो 2 हज़ार किलोमीटर पर हो जाएगी। 5 से 6 हज़ार किलोमीटर पे इसकी सर्विस होती है। एक दफा सर्विस करा ली तो आपको 6 महीने बाद ही आना पड़ेगा। राइट राइट, अदर गाड़ी को 4 दफे लेके आना पड़ेगा आपको। सही बात है, सही बात है, मेरे ख्याल से खराब होने वाली भी चीज़ नहीं लग रही है, काफ़ी स्पोर्टी लुक में लग रही है, मज़ेदार लग रही है, दमदार लग रही है। तो फ्रेंड्स ये था जुपिटर 125 का आपके सामने कपिल भाई के द्वारा रिव्यू। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना अगर आपके काम की है, और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों अगर आप अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे शोरूम पर विजिट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और शोरूम का एड्रेस और कपिल भाई का नंबर दे दूंगा, तो इनसे भी को फ़ोन करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। नमस्कार।